फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में। इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में बहुत लोगों को डाउट है, या फिर लोग डरते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी कोई काम की नहीं है, ज़्यादा दूरी नहीं चलेगी, या फिर ज़्यादा माइलेज नहीं है, या ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ता है। तो वो सब मैं आज जो आपकी गलतफहमी है दूर कर दे रहा हूँ। अभी जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये जो है इलेक्ट्रिक स्कूटी है ओकिनावा की, सबसे लो मॉडल बोल सकते हैं। इसकी खास मतलब है कि टॉप स्पीड आप देखेंगे तो 25 की स्पीड जाती है, 25, 22, 23, इससे ज़्यादा टॉप स्पीड इसका नहीं जाएगा। और एक बार में आप इसे चार्ज करते हैं तो 50 किलोमीटर का माइलेज देता है। तो 50 किलोमीटर का माइलेज देता है, तो 50 और एक बार चार्ज करने में ये 2 यूनिट बैटरी है, 2 यूनिट लेता है, 2 से 3 यूनिट, यानी कि 21 रुपये। थोड़ी सी खांसी हो गई है तो उसे हम लोग इग्नोर करेंगे। तो 2 यूनिट ये चार्ज लेती है, और 2 यूनिट का खर्च आता है हमारा बिजली का 14 रुपये। वही अगर आप जो पेट्रोल वाली स्कूटी होती है, जैसे एक्टिवा है, या फिर जो डियो, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो वो अगर आप 50 किलोमीटर चलते हैं तो उनका जो खर्च आता है 35, 37, 38 का माइलेज देती है। तो 50 किलोमीटर चलने के लिए 120 से 130 रुपये आपको खर्च करने पड़ते हैं, 130 रुपये। वही आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी में इसमें खर्च आता है केवल 14 से 18 रुपये। तो हर एंगल से ये थोड़ी सी सस्ता पड़ी। और अगर आप देखेंगे कि साल में इसका 5 साल में बैटरी चेंज करना पड़ता है, 5 साल। तो मान लो कि आप एक एक्टिवा स्कूटी चलाते हैं और आपका 2,000 रुपये का तेल का खर्च है, तो दो एक साल का हो जाता है उस हिसाब से 24,000 रुपये। और उसी 5 साल के लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो 24,000 दहा 2,40,000, 1,20,000, 1,20,000 का कॉस्ट आता है आपका 5 साल, 5 साल के लिए। बट अगर हम इसकी बात करते हैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटी की, तो ये आपको 5 साल में खर्च आएगा बैटरी का 35,000 रुपये। बैटरी का आपको 35,000 रुपये लगेगा। और इसकी बिल की बात हम करते हैं, तो बिल इसका तकरीबन आता है आपको 14 रुपये, और एक दिन मतलब 50 किलोमीटर का हिसाब से। तो मानते हैं कि आप इसमें चलते हैं, अगर आप 50 का माइलेज के हिसाब से अगर इसको जोड़ा जाए तो कितना होगा खर्च इसका। तकरीबन अगर टोटल कैलकुलेशन देखेंगे तो बिजली का बिल बता रहा, बैटरी का तो वही आएगा, ये भी 5 साल में आपको 20,000 रुपये के आसपास आएगी, 20 से 30 हज़ार रुपये का खर्च गिरेगा। तो मतलब एक तरफ आपको 1,20,000 देना है पेट्रोल वाली गाड़ी में, और ईवी वाले में आपको 50,000 पड़ेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं से अच्छा खासा बचत है हमारा, 70-80 हज़ार रुपये का बचत पड़ता है। और शहर में चलने के लिए बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, ज़्यादातर शहर में हम लोग स्पीड भी हमारी ज़्यादा नहीं होती, ईवी गाड़ी होती। टॉप स्पीड अगर आप ज़्यादा हम बात करेंगे तो 25 किलोमीटर के चलती है, और शहर में तो धीरे ही चलते हैं हम लोग, 20 के स्पीड, 15 का स्पीड, 18 का स्पीड ही चलते हैं। ये ओकिनावा का लो मॉडल दिखा रहे हैं हम। अगर बात आप करेंगे ओला की या फिर एथर की, तो उनकी टॉप स्पीड रहती है 60, 70, 80 की रहती है, और माइलेज भी ज़्यादा रहता है, 120 का। आने वाला समय जो है कि आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही दिखेंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होता क्या है कि आपको खर्च कम आता है और आपको इनकम ज़्यादा आता है। अभी आप कार से लेके ऑटो सारे कुछ आप देखेंगे। अभी देखिए, ये मैं अभी बारिश से आ रहा हूँ, बारिश से पानी की बूंदे आप दिख रहे होंगे, गाड़ी पे पड़ रहा है। सस्पेंशन वगैरह में, इसी सस्पेंशन भी आपको देखो काफ़ी अच्छा दिया हुआ था, जिससे बाइक की सस्पेंशन रहती है ना, बाइक का सस्पेंशन आपको दिखेगा। और इसकी अगर हम लोग सॉकर की बात करेंगे तो ये आपको इसमें डबल सॉकर मिलेगा, एक का हमारा राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में। इसमें आपको नंबर प्लेट नहीं दिखेगा, इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो 20 और 22 की स्पीड वाली जो गाड़ियाँ होती है, इसमें हमें नंबर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही हेलमेट की ज़रूरत होती है। बट आप शहर में चलेंगे तो हेलमेट लगाना कहीं ना कहीं से ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हेलमेट अगर आप नहीं लगाते तो पुलिस वाले रोकते हैं, पुलिस वाले रोकते हैं तो फिर सवाल जवाब है, बताना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा,
हालांकि होना कुछ नहीं है, वो आपको जाने देंगे, बट अपने टाइम वेस्ट होता है, एक परेशानी होती है। तो हेलमेट लगा लो, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आने वाला जो समय है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही है। अभी देखो आप हमारे पीछे देख रहे होगे दो दो ई रिक्शा, ये देखो दो दो ई रिक्शा है। और दो ई रिक्शा की बात नहीं है, ये पूरे शहर में आपको ई रिक्शा दिखना मिलेगा। इसका सबसे बड़ा एक बेनिफिट होता है कि पोल्यूशन नहीं करेगा, धुआं नहीं करेगा, और आपकी आमदनी ज़्यादा होगी। मतलब अब जो कमाओगे सारा आपका पैकेट में। मेंटेनेंस लो, अब इसकी मेंटेनेंस की बात करते हैं। इन सब गाड़ियों में अगर आप जाओगे ना सर्विस के लिए, तो ब्रेक वगैरह टाइट होता है, या फिर एक्सलेटर अगर आपका थोड़ा सा लूज या टाइट हो गया तो वो काम होगा ना। इसमें मोबिल का टेंशन है और ना ही किसी चीज़ का इंजन रिपेयर का काम। बहुत बार इंजन वाले गाड़ियों में, पेट्रोल वाली गाड़ियों में क्या होता है कि इंजन में प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं, तो खर्च उसमें अच्छा खासा खर्च गिरता है। बट इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मेंटेनेंस जीरो ही रहता है, ज़्यादा कोई खर्च नहीं होता है। तो आने वाला समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है, और अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में सोच रहे लेने के लिए, टू व्हीलर या थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो, बेस्ट डील है, फुल पैसा वसूल है, पेट्रोल वाली गाड़ियों से तो बेहतर है। मैंने भी जब ये गाड़ी नहीं खरीदा था तो मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा था कि भाई ये इलेक्ट्रिक स्कूटी को ले या ना ले, कैसा रहेगा। हालांकि अगर आप ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा माइलेज चाहते हैं तो एथर या फिर ओला की बाइक के तबीयत ख़राब है थोड़ा हमारा, तबीयत ख़राब है, फिर भी मैंने बोला कि भाई वीडियो तो बना नहीं है। तो थोड़ा स्पीड और माइलेज ज़्यादा चाहिए तो एथर, ओला या फिर टीवीएस का EQ ले सकते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में आज इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।